हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड रिलेटेड टॉप 25 यहाँ पे जीके क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। आपको पता है 25 से 28 बीच में आपका एग्जाम है, तो तैयारी बिल्कुल जम के करिएगा, ठीक है। वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। अब भाई ये कि बहुत इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन लिए, तो आपके एग्जाम में आ सकते हैं ये क्वेश्चन, तो इसको देखिएगा ध्यान से। चलो, पहला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये चीज़ सबको आती होगी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, तो 27 नंबर प्रश्न है, तो सी ऑप्शन 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्षों का होता है। मैग्सेस अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? 28 नंबर प्रश्न है, तो वो आपके विनोबा भावे। मैग्सेस अवार्ड जो प्राप्त करने वाले आपके प्रथम भारतीय कौन थे? विनोबा भावे थे, ठीक है। इसको थोड़ा हो सके तो याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? WTO का, तो बताइए क्या होगा इसका मुख्यालय आपका? जिनेवा में है वैसे तो। देखो ऐसे लिख के आएगा पेपर में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, तो ऐसे याद कर लेना जैसा भी आपको सही लगे। और स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में स्थापना की गई थी विश्व व्यापार संगठन की, और इसका मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 30 नंबर प्रश्न है, तो कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश 15 होते हैं। ये 131 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पेपर पूछा जाता है, पहले ही बता दे रहे। इंडियन कोस्ट गार्ड में बिरजू महाराज का संबंध किस खेल से, किस नृत्य से है? 31 नंबर प्रश्न है, तो इसका कथक से है, ठीक है। कथक आपको उत्तर प्रदेश का है, और कथकली आपका कहाँ का है बताइए जरा? कथकली आपका केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। अगला है, देखो कथक से थे, ठीक है, जो आपको उत्तर प्रदेश का है। प्रिटोरिया किस देश की राजधानी है? 32 नंबर प्रश्न है, तो राइट ऑप्शन इसका बी पार्ट, दक्षिण अफ्रीका। प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है? तो 33 नंबर प्रश्न है, तो देवकी नंदन खत्री हैं जो आपके चंद्रकांता के लेखक हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पे देखिए जरा, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 34 नंबर प्रश्न है, तो बी ऑप्शन कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? 35 नंबर प्रश्न है, तो ए पार्ट, सूर्य मंदिर, ठीक है। पर्यावरण का निर्माण होता है? 36 नंबर प्रश्न है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन, उपयुक्त तो सभी से, जैसे कि भू आकृति घटकों से, अजैव घटकों, जैविक घटक, तो इन तीनों से होता है, याद कर लेना भाई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? 37 नंबर प्रश्न है, तो दिल्ली में है, 37 का यहाँ पर बी ऑप्शन दिल्ली में है। 38 नंबर प्रश्न है, विकिपीडिया के संस्थापक का नाम बताइए? 38 नंबर प्रश्न है, तो आपका जिमी बेल्स व लैरी सेंगर है, याद कर लेना। गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है? इंपॉर्टेंट है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, तो 39 का सी ऑप्शन राजस्थान। गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सा है? 40 नंबर प्रश्न है, तो इसका रत्नावली, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है जो रत्नावली है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक का लेखक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है बताइए? देखो 6 वर्ष का तो होता है, अभी इसके अभी वीडियो में बताया था, इसी वीडियो में 6 वर्ष का होता है, और 65 वर्ष की आयु क्या लिखा? देखो ग्रह की चाल से संबंधित नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? 42 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका बी पार्ट है, कैप्लन ने किया था। भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? 43 का सी ऑप्शन असम है, असम का नया नाम असम रख दिया है, असम, ठीक है, तो वही कहते हो असम भी कहते हो, कोई दिक्कत नहीं, राजधानी दिसपुर होती है, तंजानिया की राजधानी है। 44 का राइट ऑप्शन क्या होगा? 44 का राइट ऑप्शन, तो तंजानिया की राजधानी आपकी डोडोमा है, ठीक है, इसको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। चलो भाई अगला देखते हैं, 45 नंबर है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? 45 का सी पार्ट, यहाँ पे राइट ऑप्शन है। चलो भाई अगला देखते हैं, सांची के स्तूप का निर्माण किस निम्नलिखित में से किस शासक ने कराया था? सांची के स्तूप का 46 का राइट ऑप्शन बी पार्ट, अशोक ने कराया था, किसने कहा था? अशोक ने कराया था, पढ़ लेना इसको, इंपॉर्टेंट है। नवरत्न किसके शासनकाल से संबंधित है? 47 का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो सी ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है?
48 नंबर का सी पार्ट 70 मिनट की होती है। जो हॉकी मैच की जो दोस्तों अवधि होती है वो 70 मिनट की होती है, इसको प्लीज पढ़ लेना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भाई प्लीज हो सके पढ़ लेना। नई मुद्रा जो करेंसी 2000 के जो नोट है उसके 2000 के नोट के जो पीछे कौन सा चित्र बना है? 50 नंबर प्रश्न है, तो मंगलयान बना है, उसमें देखा होगा। 25 दोस्तों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपको मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। अब बात ये है कि वीडियो बीच में एक बार भी ये नहीं कहा कि जिससे आपका टाइम ना बर्बाद हो। देखो अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लग गया हो तो चैनल को लाइक जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भाई आप लोग इतनी नहीं कर सकते, मैं इतनी आपके लिए कर रहा हूँ। तो ठीक है, अब ये कि कल मैं बता दूँ, कल 18 तारीख थी और आज 19 तारीख है। ठीक है, देख सुनना, कल 18 तारीख थी, मैंने 10 वीडियो डाल दिए थे और काफ़ी जुकाम भी इस समय मुझे भी, और तो अभी आपके लिए वीडियो बनाना पड़ रहा। और 19 तारीख है तो आज ये चौथा पांचवा वीडियो अब आ रहा है। तो शायद आज पता नहीं कि आज भी शायद 7-8 या जितने वीडियो आ पाए। ठीक है, तो कल ये कि 10 वीडियो करा दिए थे, तीन से ज़्यादा नोटिफिकेशन नहीं आती दोस्तों। तो मेरे पास यही कहने का मतलब है कि मेरे चैनल पर जाके एक बार चेक कर लिया करो। ठीक है, मेरे चैनल पर जाके चेक कर लेना, काफ़ी वीडियो हो सकते हैं एक दिन में, क्योंकि तीन से ज़्यादा यूट्यूब में वीडियो नहीं नोटिफिकेशन भेजता है, तो आप लोगों को पता नहीं चलता होगा। अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लेना।